नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए नजर डालते हैं झांसी की कुछ खबरों पर। झांसी में एक संगठन ने 26 फरवरी को बाजार बंद का ऐलान किया था। बाजार बंद का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष अली ने, देखिए यह रिपोर्ट। इस टाइम हम खड़े हैं झांसी के मानिक चौक बाजार में। एक संस्था द्वारा GST की विसंगतियों को लेकर पूरा बाजार बंद का ऐलान किया था, पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार बाजार बंद का असर बेअसर निकला। पूरी दुकानें खुली हुई हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार दुकानें खुली हुई हैं और पूरा बाजार चल रहा है। ग्राहक अपना सामान खरीद रहा है। कहीं ना कहीं जो बाजार बंद का ऐलान था वो बेअसर नज़र आया। ये मानिक चौक का मेन बाज़ार है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। कहीं ना कहीं जो कैट संस्था है उसने बाज़ार बंद का ऐलान किया था, पर बाज़ार का बंद का असर बेअसर निकला। झांसी से ब्रजेश परियार के साथ मनीष अली। मनीष अली, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24। आज देश की सबसे बड़ा संगठन ने बाजार बंद का ऐलान किया था, पर बाजार बंद नहीं हुआ है। क्या वजह रही व्यापारियों की कि बाजार बंद नहीं किया गया है? कुछ व्यापारियों ने हमसे कहा कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए कई महीने हम लोग ने दुकान बंद रखी, जिससे हम लोग का काफ़ी नुकसान हुआ। ऊपर से ऐसी कंपनी जो ने बाजार बंद की ऐलान किया था, पर अभी हम लोग उभरे नहीं है कोरोना जैसे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार दुकानें खुली हुई हैं, पूरा बाजार खुला हुआ है और अपने अपनी दुकानदार कर रहा है। हम बात करेंगे दुकानदारों से कि किस प्रकार आप लोग ने दुकान खोली है। जो GST का विसंगतियों के विरोध में जो बाजार बंद का ऐलान किया गया था, क्या लगता है जो GST के विरोध में जो ऐलान किया था एक संगठन ने, आप लोग दुकान खोले हो? GST के संशोधन के विषय में जो हम लोगों ने आज एक संस्था है दिल्ली की कैट, उसने जो है बाज़ार बंद का आह्वान किया था। लेकिन इन चीज़ों से बाज़ार हमारा पूरी तरीके से खुला है, बाज़ार खुलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। और हम व्यापारियों ने विशेषकर इस वजह से बाज़ार खोला है कि जिसमें जैसे आज GST को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों में 900 बार संशोधन हो चुके हैं। जब 900 बार संशोधन हो चुके हैं और उसके बाद अगर कोई नियम लागू किया जाता है तो उसके बाद दो चार बार और भी संशोधन किए जा सकते हैं। हम लोगों की जो मांगे हैं व्यापार मंडलों की या कैट की, तो उसमें केवल ये हो सकता है कि हम अपनी बात को रखें और रखने के बाद जो है उसे सरकार के समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे तो वो उसमें भी संशोधन करेंगे, और जब संशोधन करेंगे तो हमारा व्यापारी पूरी तरह से आश्वस्त होगा। हमारा विरोध जो है केवल इस बात को लेकर के नहीं होना चाहिए कि हमने बाज़ार बंद कर दिया। बाज़ार अगर हमने बंद कर दिया, मॉल बंद कर दिए या पूरा भारत बंद कर दिया, तो व्यापारी वैसे ही तो बहुत बुरी तरीके से जो है त्रस्त है, क्योंकि कोरोना काल में जो है जिस स्तर का जो व्यापारी है वो उस स्तर से परेशान रहा है। उसके बाद अगर हम बाज़ार बंद करते हैं तो इस बाज़ार बंद करने से हमारा व्यापार ठप होगा, हमारे व्यापारी को नुकसान होगा, और हमारे व्यापारी जो है जो ग्राहक होंगे वो अन्य जगह पर जाएंगे, जिससे खुदरा व्यापारी को छोटे व्यापारी को नुकसान ही नुकसान होना है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं होना है। तो व्यापारी उदय जी का यह कहना था कि जो व्यापारी वैसे ही कोरोना काल में जो दुकानें बंद करी थी अभी उभरा है, और एक ऐसी कंपनी ने बंद का ऐलान कर दिया जिससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को घाटा ही घाटा है। झांसी से ब्रजेश परियार के साथ मनीष अली।